मेरी एक बहन की बाजरे के ढोकले की फरमाइश थी, इसलिए मैंने आज ये बाजरे के ढोकले बनाकर रेडी किए हैं। यह बहुत सॉफ्ट बनते हैं, इसमें घी और अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चलिए बनाते हैं। 1 बाउल बाजरे का आटा लेंगे, 4 टेबलस्पून इसमें घी डालेंगे। देखिए घी हमें इसमें बहुत अच्छा डालना है, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून मीठा सोडा ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें मसलते हुए इसे अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि अजवाइन का फ्लेवर है वह इसमें अच्छे से आ जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को हम अच्छे से गूंथ लेंगे। आटे को हमें ज़्यादा टाइट नहीं गूंथना है, आटा हल्का गीला होना चाहिए। कभी कभी बाजरे का आटा पानी को ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, कभी कम अब्जॉर्ब करता है। आप अपने हिसाब से आटे को अच्छे से गूंथ लीजिए। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें पानी गर्म करेंगे, स्टैंड है उसमें हम घी अप्लाई करेंगे। आटे को हमें ज़्यादा नहीं गूंथना है, हल्के हाथ से हमें आटे को फिनिशिंग देनी है। फिर हम हाथ में हल्का सा घी लेंगे और इस तरह हमें गोली बनाते हुए इसे हमें ढोकले का शेप देना है। आप इसे इडली के संचे में भी बना सकते हैं। पैन में पानी गर्म हो चुका है, अब हम इसे ढोकले को रखेंगे और इस तरह हमें ढककर रखना है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। यदि ढोकले का शेप मोटा है तो आपको 25 मिनट भी पकने में लग सकता है। बाजरे के ढोकले की यह विशेषता है कि जिस समय हमें खाना है उसी समय हमें इसे बनाकर रेडी करना है, तभी इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। बाजरे के ढोकले में अच्छा खासा घी डालेंगे, तभी इसका टेस्ट बढ़ेगा। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड करें और टेस्ट का आनंद लें। थैंक यू।